all, how are you welcome back to the celebrity wits and today in this video after so long we are going to study english grammar and in that we are going to cover up a very important topic that is subject verb agreement or we also call it subject verb concord so let's get started so first of all we will see some rules कुछ तो रूल्स जो कि सब्जेक्ट वर्क कॉन्ट को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको जब आप वर्क फॉर्म्स को देखते हैं क्योंकि आपका टॉपिक क्या है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यानी कैसे एक सब्जेक्ट का वर्क के साथ में एग्रीमेंट होता है या फिर सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब लगेगी तो पहली चीज जो हम इन चीजों में पढ़ते हैं वो आप जिसको बोलते हैं हमें कौन सी फॉर्म या एज पर कौन सा फॉर्म वर्ब का यूज करना है पर कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ में हम कौन सी वर्ब यूज करें तो यहाँ इस आ, तो वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके सारे रूल्स जो कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर आते हैं बेसिकली आप देखेंगे तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको दिखाई देते हैं जो कि एक्चुअली थोड़े टफ होते हैं सॉल्व करने के लिए यदि आप उनको एक जनरल रूल से जो कि आपने टेंसिस में सीखा है सॉल्व करते हो तो सबसे पहला रूल हमारे सामने निकल के आता है वो ये है कि यदि हम जब आप टेंस पढ़ते हैं तो हम सीधा सा क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है अब आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली सब्जेक्ट क्या होता है और ये सब जानने से पहले भी आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर होता है सब्जेक्ट ओके okay? फिर उसके बाद आप वर्ब यूज करते हो एंड देन रिमेनिंग पार्ट इज ऑब्जेक्ट ठीक है वर्ब के अंदर आपने दो चीजें पढ़ी हैं जिसके अंदर एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब ठीक है और एक होती है मेन वर्ब ओके तो हेल्पिंग वो मेन वर्ब जो है टेंस आप यूज करते हैं ठीक है अब सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये जानना भी आपके लिए जरूरी है तो सब्जेक्ट हम देखेंगे सिंपली सब्जेक्ट इन द सेंसेस डू यानी जो उस सेंटेंस के अंदर एक्शन कर रहा है ये आपने टेंसेस में पढ़ा होगा द वन हु इज गोइंग टू डू द एक्शन तो एक्शन करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं अब एक्शन कौन कौन कर सकता है आई वी यू इट एनी सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट निकल के आते हैं इनके बाहर कोई सब्जेक्ट नहीं होता बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हमें ये आ, कई बार जो सब्जेक्ट है जैसे आपके पास एक सेंटेंस है द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स अब यहां इस सेंटेंस के अंदर आप देखोगे कि सब्जेक्ट क्या है वॉट इज नॉट गुड और वॉट आर नॉट गुड आप देखोगे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स अभी क्वालिटी ऑफ एप्पल्स को यदि हम देखते हैं तो ये एक सब्जेक्ट हुआ हमारे पास ठीक है अभी ये जो सब्जेक्ट है क्वालिटी ऑफ एप्पल्स अब इसमें हमें सिंपली uh, देखेंगे पूरा तो हमने देखा कि यहाँ पे एप्पल्स लिखा हुआ है एप्पल्स प्लूरल फॉर्म में है तो ऑब्वियसली एप्पल्स के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगा देंगे सिंपली जब हमें सिर्फ टेंसेस की नॉलेज है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की नॉलेज नहीं है तो लेकिन ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल है वो ये बताते हैं कि यदि आपके पास एक सब्जेक्ट है ठीक है जो कि हमारे पास इस सेंटेंस में है द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स ओके okay. ये सब्जेक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है यानी कि क्वालिटी मेनली यहां पर हम बात कर रहे हैं मेनली यदि है देखेंगे तो हमारे पास क्या है मेन सब्जेक्ट इज क्वालिटी ओके सो क्वालिटी इज वॉट सिंगलर ठीक है तो एज पर दिस वी नीड टू यूज सिंगलर वर्ब ओनली ओके सो एज पर सब्जेक्ट नंबर ऑफ पर्सन ठीक है नंबर ऑफ पर्सन यानी कि जैसे क्वालिटी of apples showing the uh, uh, it as singular number mein count karenge to तो singular hai na to hum yahan par singular verb use karenge yani ki is the quality of apples is not good na ki the quality of apples are not good okay for example एक और देखते हैं the results of his affair अभी यहाँ पूरा subject हमने देखा the results of his affair लेकिन जो ऑफ के बाद वाली चीजें इनको आप माइंड मत करो जैसे यहाँ पे भी ऑफ एप्पल्स था तो इसको आप माइंड मत करो ऑफ से पहले जो चीज है उसको देखो कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है यहाँ पर रिजल्ट जो है वो क्या है प्लूरल है तो प्लुरल के अकॉर्डिंग हमें वर्ब फॉर्म भी प्लूरल लगानी होगी द रिजल्ट ऑफ हिज अफेयर वर नॉट गुड क्लियर सो रूल नंबर वन क्या कहता है कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी यदि सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लुरल होगी ओके और यहाँ पर आप सब्जेक्ट को सिंगुलर और प्लुरल कैसे करोगे क्योंकि ये तो हमें पहले भी पता है कि यदि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लगाएंगे प्लुरल होगा तो प्लुरल लगाएंगे लेकिन सब्जेक्ट में कहा सिंगुलर प्लुरल देखना है इसके लिए आपके पास ट्रिक है कि ऑफ से पहले वाला जो अः नाउन दिखता है आपको वहां पर आप उसको आप काउंट करें और वर्ब फॉर्म लगाइए क्लियर इसके बाद जो नेक्स्ट रूल निकल के आता है हमारे पास वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट रूल कहता है कि यदि आपके पास एक नाउन और प्रोनाउन है जो कि कनेक्टेड है दूसरे नाउन और प्रोनाउन से विथ एंड जैसे राम एंड श्याम गोल्ड एंड सिल्वर ही एंड आई राहुल एंड राजीव ओके okay? और कुछ भी आप नाम ले सकते हो यदि दो नाउन या प्रनाउन यदि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो तो हम उसके साथ में एंड लगाने से वो क्या हो जाते हैं दो हो जाते हैं और इसलिए वो प्लूरल हो जाएंगे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाएगा और हमें वर्ब भी प्लूरल लगानी जैसे गोल्ड एंड सिल्वर सो गोल्ड एंड सिल्वर क्या है एक नाउन दूसरा नाउन तो क्या बना यहाँ पे दो नाउन हो गए हैं कनेक्टेड विथ एंड सो फॉर्म में लगानी प्लूरल यानी आर गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेसिस मेटल्स ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है है इस वजह से क्योंकि ये ऑब्वियसली एग्जाम में आता है आपको कंफ्यूज करने के लिए तो uh, यहां पर एक और चीज निकल के आती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ही एंड आर अगेन दो प्रोनाउन है ही एंड आर तो ही एंड आई वर Playing. जैसे हमने यहाँ पर आर पुट किया, वैसे ही यहां पुट करेंगे। राहुल एंड राजीव दो हैं नाउन एंड प्रनाउन नाउन और कनेक्टेड किससे हैं एंड से। है, राहुल एंड राजीव राजीव आर गुड फ्रेंड्स ठीक है अब यहां पर एक चीज एक्सेप्शन निकल के आती है कि जब आप दो चीजों की बात तो कर रहे हो पर वो दोनों चीजों का सेंस एक ही हो या आप एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो या एक ही सेंस में बात कर रहे हो जैसे ब्रेड एंड बटर तो ब्रेड एंड बटर जब हम यूज करते हैं तो एक ब्रेकफास्ट में सिंगल काउंट करते हैं ब्रेड बटर क्या खा रहे हो ब्रेड बटर तो इसका मतलब ब्रेड अलग से खा रहा हूं और बटर अलग से खा रहा हूं राइट सो ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट ओके टाइम एंड टाइड वेट फॉर वेट्स फॉर नन क्यों क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि टाइम अलग है और टाइड अलग है दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं एक ही सेंस में हम बात कर रहे हैं ओके we'll uh, we'll okay? जब हम उसको एक ही बना देते हैं क्लियर नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है रूल नंबर थ्री वो कहता है कि सिंगलर सब्जेक्ट है वो यदि और वो कनेक्टेड हैं विद से है ना कि दो तो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि विद या एज वेल एज से कनेक्टेड हैं तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे जैसे द शिप शिप यहाँ पे सिंगुलर है एक शिप की बात कर रहे हैं इट्स क्रू द शिप विद इट्स क्रू नाउ इट डजेंट मैटर कि यहाँ पर क्रू को आप कलेक्टिव uh, नाउन में काउंट करते हैं या ये Common noun है, proper noun, whatever it is. But if a singular subject is connected with another noun, with, with, या फिर as well as. तो यहाँ हम was, is, okay? या फिर कोई भी singular verb use करेंगे. The ship with its crew was lost. अब आपको क्या करना है? With से पहले का ही देखना है. और with से पहले आपको singular मिलेगा. Sanskrit एज वेल एज इंग्लिश इज द सेकेंडरी लैंग्वेज ऐसा नहीं कि आप संस्कृत एज वेल एज इंग्लिश आर नो इज यूज करोगे द बैक विथ इट्स कॉन्टेंट तो बैक के अकॉर्डिंग आप यहां पर लगाओगे वॉज जस्टिस एज वेल एज मर्सी आई लव इट ठीक है गोल्ड एज वेल एज सिल्वर इज अ प्रेसिसमेंट ओके तो क्या नोटिस किया आपने कि सिंगलर सब्जेक्ट के साथ यदि आपको विद दिखता है या एज वेल एज दिखता है और साथ में आपको कोई और नाउन दिखता है तो आपको सिंगलर वी यूज करनी है दिस वॉज रूल नंबर थ्री ऑफ सब्जेक्ट पर कॉन्ट क्लियर तो इन रूल पर बेस्ड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं देर आर वेरियस बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट और ऑनलाइन तो बात ही अलग है सो प्रैक्टिस देम यदि आपके पास सिंगलर सब्जेक्ट हैं जिनको और या नो और से आपने कनेक्ट किया हुआ है ठीक है तो फिर अगेन आप सिंगलर वर्ड यूज करेंगे फॉर एग्जाम्पल नो नूक और कॉर्नर नो नूक और कॉर्नर नूक एंड कॉर्नर दो सब्जेक्ट हो गए सब्जेक्ट का मतलब नाउन प्रोनाउन ठीक है तो दो सब्जेक्ट हैं आपके पास सॉरी नाउन और प्रोनाउन दो नाउन को आपने कनेक्ट किया है और से सो नूक और कॉर्नर सिंग्लर वर्क वॉज लेफ्ट एक्स अनएक्सप्लोर ठीक है नीद फूड नो वॉटर ओके कनेक्टेड विथ नॉर फूड एंड वॉटर कनेक्टेड है नो से सो अगेन सिंग्ल वॉज नीदर फूड नो वॉटर वॉज प्रोवाइडेड इन दैम ओके नेक्स्ट आर हैप्पीनेस और आर सॉरो आर हैप्पीनेस और आर सॉरो चीज दिख रही है हमें लगेगा कि दो है तो प्लोरल लगाओ बट इफ दे आर कनेक्टेड विथ ऑर और, और नॉट तो अगेन डिपेंड्स यानी कि सिंगलर वर्ब हम यूज करेंगे और एस पर दी सिंगलर वर्ब यहाँ पर हमें एस और यस लगाना होगा तो डिपेंड्स होगा यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने से पहले आपको टेंसेस आने चाहिए अदरवाइज आपको ये नहीं आएंगे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ओके okay? ये टेंसेस का अपग्रेडेड फॉर्म है देन ईदर जगन और जॉर्ज ठीक है तो और लगा हुआ है दो नाउन है आपके पास समझ लो सब्जेक्ट भी दो है बट क्या करना है आपको और के अकॉर्डिंग क्या लगाना है सिंगलर वॉज सो रूल नंबर फोर कहता है कि सिंगलर सब्जेक्ट में और या नो दिखे यानी दो नाउन और नॉ से कनेक्टेड है नाउन प्रोनाउन कुछ भी तो फिर हमें अगेन सिंगलर वो भी यूज करनी है क्लियर अभी एक क्वेश्चन है कि हमने अभी बात की कि दो नाउन है प्रोनाउन है जिनको आपने और या न से कनेक्ट किया नीदर चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स में आपको मैं पूछती हूँ कि क्या लिखोगे यहाँ है नीदर चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स वॉज और वर प्रेजेंट करेक्ट आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में करना है लिखना है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको सॉल्व करवाऊंगी So, thank you so much. That's all for today. See you in the next video. Goodbye.